हेलो ऑल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक नोटिफिकेशन जारी हुई है और उस नोटिफिकेशन के सहारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने वापस से लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है कुछ एरियाज में। तो ये लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे इस लॉकडाउन 5.0 में क्या कुछ ओपन है, क्या कुछ बंद है, और उसके बाद से हम लोग बेसिकली अपने एग्जामिनेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है एग्जाम होने की, या इनफैक्ट किस एक मंथ में एग्जाम पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले लॉकडाउन 5.0 के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एग्जामिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये एक पीडीएफ है जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक ऑर्डर आ रखी है, और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि टू एक्सटेंड द लॉकडाउन इन कंटेमिनेटेड जोन ऑन टू 30 जून। तो 30 जून के लिए जो भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया। अगर इस पीडीएफ को आगे अगर पढ़ें तो अगर देखेंगे तो कुछ चीजों के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे हम लोग फेज्ड मैनर में ओपन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, इस तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। तो बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ग्रीन जोन में है या ऑरेंज जोन में है, उन सारे जोन में ओपन कर दिया गया है कुछ और भी एरियाज। क्या ओपन किया गया है? फेज वन में जो ओपन किया जाएगा वो ओपन किया जाएगा 8 जून से, और वो शुरू किए जाएंगे जैसे रिलीजियस प्लेसेस हो गई, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए या शॉपिंग मॉल्स हो गए। तो ये ओपन किए जा सकते हैं प्रोवाइडेड पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एक बार ये लोग एसओपी ले लेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ले लेंगे, फिर उसके बाद से ओपन की जाने की संभावना है। फेज टू जो कि जुलाई महीने से शुरू हो सकती है, और वो क्या क्या ओपन किए जाएंगे इसमें? इसमें ओपन किए जा सकते हैं स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये ओपन किए जा सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन हो जाए जुलाई के महीने से, लेकिन ये ओपन करना डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ में भी, और स्टेट गवर्नमेंट जो भी पेरेंट्स है या जो भी स्टेक होल्डर्स है उनसे कंसल्टेशन के बाद फिर ओपन किया जाएगा। तो अगेन यहां पर देखिए थोड़ा मोड़ा अभी कश्मकश जरूर लगी हुई है कि पता नहीं ये खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा, स्कूल्स वगैरह खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्योंकि अगर आप कोरोना के केसेस देखेंगे तो कोरोना के केसेस आज की डेट तक में लगभग 1,75,000 क्रॉस कर चुका है, जिसमें कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गई। तो ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कई सारे मरीज यहां पर आ जा रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड होने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो अगेन ये फेज टू वाली चीज थोड़ी सी डाउटफुल हो जा रही होती है। अगर फेज थ्री में बात करें तो देखिए फेज थ्री में ये कहा गया है कि जितने भी पॉलिटिकल रैलीज या सोशल गैदरिंग, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, जिम, जितनी भी चीजें हो सकती हैं, साथ में एकेडमिक भी यूज किया गया है, तो इसको भी ओपन किया जा सकता है, लेकिन अगेन कंसल्टेशन के बाद ये सब चीजें शुरू की जा सकती हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो देखिए आगे बताया गया है कि नाइट कर्फ्यू अभी फिलहाल रहेगी 9 PM टू 5 AM के बीच में, रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक यहां पर अभी प्रोहिबिशन रहेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं की जा सकेगी। तो अगेन यहां पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर बात करें कौन सी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन है, तो देखिए इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मतलब कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दी गई हैं। अब आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ई पास भी लेने की जरूरत नहीं है, नो सेपरेट पास विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट। बाकी पर्सन का मूवमेंट तो रेगुलेट तो करना ही है, ये तो रेगुलेट करेंगे ही, जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह है वो सब तो करते ही रहेंगे, बाकी साथ में जो श्रमिक स्पेशल या पैसेंजर ट्रेन है वो तो चल ही रही है, तो इसमें कोई बात नहीं है। बाकी आरोग्य सेतु एंड ऑल दैट के बारे में बात किया गया, और साथ में फिर पीनल प्रोविजंस के बारे में बात किया गया जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इतना आपको नहीं देखना है। तो ये थी हमारी जो लॉकडाउन 5.0 में जो कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, लेकिन यहां पर सिंपल सी एक ही बात कही गई है कुल मिलाकर के कि जो भी कंटेनमेंट जोन है, जो भी कंटेनमेंट जोन में एरियाज आ रहे हैं वो सारे के सारे क्लोज डाउन रहेंगे 30 जून तक। अब हमारी नेक्स्ट चीज आती है कि क्या हमारा एग्जाम होगा, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डेट फॉर एग्जामिनेशन, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट आवर एग्जामिनेशन, हम लोग अपना एग्जामिनेशन कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अगेन थोड़ी सी मैं फैक्ट और थोड़े से लॉजिक के बारे में बात करूंगा। अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अगर गाइडलाइन देखें तो देखिए ये अगेन एक
पीडीएफ है, जो पीडीएफ निकाला गया है 15 अप्रैल 2020 को, यहां पर आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2020 को ये है। और इस पीडीएफ में बेसिकली कंटेनमेंट जोन के बारे में बताया गया है। पहले तो यहां पर बता दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन बोला किसे जाएगा, तो कंटेनमेंट जोन नॉर्मल तब डिक्लेयर किए जाएंगे जब 28 डेज से कोई भी केस नहीं आया हो, लेकिन ऐसा पाया गया है कि कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका गुजरात हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो। तो अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से कंटेनमेंट जोन है हमारे पास, तो देखिए ये वो लिस्ट है कंटेनमेंट जोन की, हॉटस्पॉट भी बोल सकते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में यहां पर कुर्नूल हो गया, गुंटूर हो गया, बाकी सारे स्टेट्स भी आप, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं। बिहार में सीवान हो गया, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ हो गई, छत्तीसगढ़ में कोरबा हो गया, दिल्ली में आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग सारा ही इलाका कंटेनमेंट जोन में आ गया है। सिमिलरली गुजरात में जो मेन सिटीज हैं, और अगर इन सारे सिटीज को अगर हम देखेंगे, और अगर इन सिटीज को देखने के बाद अगर हम लोग अपने यूपीएससी के नोटिफिकेशन के तरफ अगर चलें, और यहां पर अगर हम लोग अपने यूपीएससी के जो सेंटर्स होते हैं अगर उनकी ओर एक बार निगाह मारेंगे, तो आपको जो मेन सिटीज दिखेंगी, सेंटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जितने भी मेन सिटी आपको देख रहे हैं, एक कोइंसिडेंटली एक इंसिडेंट आप देख सकते हैं कि ये सारे सेंटर लगभग लगभग कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। तो यानी कि 30 जून तक तो देयर इज अ जीरो पॉसिबिलिटी कि कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह कोई भी एग्जामिनेशन कराया जा सके, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, कंटेनमेंट जोन के बाद, या फिर कह लीजिए कि 30 जून के बाद हो सकती है कि पॉसिबिलिटी एग्जाम कराई जा सके, लेकिन पॉसिबिलिटी ही है ये केवल। और एग्जाम कराने के लिए कई सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, सेंटर एलोकेशन करना होगा, सैनिटेशन की देखनी पड़ेगी क्या सुविधा है, साथ में मूवमेंट को देखना पड़ेगा, सेंटर रीडिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो मेंटेन करनी रहेगी। तो काफी ज्यादा चैलेंज होने वाला है इस एग्जामिनेशन को लेकर के। तो इस चैलेंज को भी अगर देखें तो नियर अबाउट 1 मंथ दिया जा सकता है इस चैलेंज को। तो वी कैन एक्सपेक्ट आवर एग्जामिनेशन इन अगस्त टू सितंबर, अगस्त से सितंबर के बीच में हम अपने एग्जामिनेशन को देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि अगस्त से सितंबर के बीच में काफी रिजर्व डेज हैं, और उन रिजर्व डेज पे एग्जामिनेशन कराई जा सकती है यूपीएससी के द्वारा। तो अगेन आपके पास अभी भी 2 से 3 महीने का समय मिल जाता है, इन 2 से 3 महीनों में आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि क्या होगा, एग्जाम कब होगा, अब आप ज्यादा फोकस करिए अपने एग्जामिनेशन के साइड में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और साथ में मेंस एग्जामिनेशन पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो ये थी कुछ हमारी आज की फाइंडिंग्स और लॉकडाउन 5.0 के बारे में, जो आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।